गया भुसुंडा मेला बगीचा। गया भुसुंडा मेला बगीचा आज 1 जुलाई 2024 है और आज की सीन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आज की सीन बहुत ही खूबसूरत सीन है। इस बगीचे में लड़के लोग प्रैक्टिस किया करते हैं, दौड़ धूप क्रिकेट, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई क्रिकेट के लिए अभ्यास करता है। गया भुसुंडा मेला बगीचा, गया भुसुंडा मेला बगीचा। बिहार गया भुसुंडा मेला बगीचा बिहार। कैसे समझा तू मेरी द्वारिका, मैं हूँ जोगी। तू मेरी द्वारिका, मैं हूँ जोगी। हमारी और नजर कभी होगी, सुनो मेरे व्याकुल मन मोरा। जुमन तड़प हरि दर्शन को आज, मन तड़प एक्सरसाइज। लोग यहाँ पर एक्सरसाइज किया करते हैं, योगा किया करते हैं, दौड़ लगाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल क्रिकेट योगा इस फील्ड में रोज हुआ करता है। लोग रोज़ यहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट योगा तरह तरह की एक्सरसाइज हुआ करता है। कोई डंड पेलता है, कोई बैट की लगाता है, कोई दौड़ता है, कोई क्रिकेट खेलता है। बहुत ही सुहाना मंदिर है यहाँ पर का। आप देख रहे हैं सीन गया भुसुंडा मेला बगीचा का। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती,
खुदा की कसम ये खुदाई न होती अगर तेरी जलवा नुमाई न होती। खुदा की कसम ये खुदाई न होती। ये भुसुंडा मेला बगीचा गया बिहार। आज 1 जुलाई 2024 है और आज का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दौड़ते हुए आदमी, एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए, जाने तुम कब आओगे सुहानी रात ढल चुकी। ना जाने तुम कब आओगे आकार से बदल चुके। ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात ढल चुके। ना जाने तुम कब आओगे सितारे अपनी रोशनी दिखा दिखा के चल दिए। नजारे अपनी मस्तियाँ लुटा लुटा के चल दिए। हरे के शम्मा जल चुके। ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात ढल चुके। ना जाने तुम कब आओगे तड़प रहे हैं हम यहाँ। तड़प रहे हैं हम यहाँ किसी के इंतजार में। किसी के इंतजार में इजा करम आ चला है। मौसम बहार में इजा करम आ चला है। मौसम बहार में सुहानी रात ढल चुके। ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात ढल चुके। ना जाने तुम कब आओगे तड़प रहे हैं हम यहाँ। तड़प रहे हैं हम यहाँ किसी के इंतजार में।
किसी के इंतजार में खिजा का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। हाँ तो बहनों भाइयों, मैं इसी के साथ आज की ये वीडियो ब्लॉग समाप्त करता हूँ और आपसे फिर मिलूँगा, कल मिलूँगा 2 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, धन्यवाद।